कमलनाथ सरकार के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा अवैध रेत उत्खनन पर होने वाली छापेमारी के नाम से जाने जाते हैं। जरा सी भनक लगते ही कंप्यूटर बाबा कभी भी कहीं भी अवैध रेत के डंपर जेसीबी पोलकेन पकड़ने पहुंच जाते हैं। कंप्यूटर बाबा ने पूरे मध्य प्रदेश में रेत माफियों की नींद हराम कर रखी है। आज कंप्यूटर बाबा संतों के कार्यक्रम के लिए धार पहुंचे और अल्प समय के लिए सर्किट हाउस रुके, जहां समाचार एक्सप्रेस के स्टेट हेड अमर वर्मा ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा कंप्यूटर बाबा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंप्यूटर बाबा, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, धार आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबा, आप धार पधारे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? आज संतों ने, धार जिले के सभी संतों ने मिलकर के रामानंद जयंती का आयोजन रखा है। उस आयोजन में एक धार्मिक आयोजन है, उसके तहत आज मेरा आमंत्रण निमंत्रण दिया था, तो संतों का कार्यक्रम है। हमारे पूज्य रामानंद गुरु महाराज हैं, उनकी जयंती में हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबा, देश में एक तरफ सीए को लेकर विरोध चल रहा है, कई समर्थन हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बाबा, अगला मेरा सवाल है कि जो कमलनाथ जी द्वारा भू माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, माफियाओं को समझ जाना चाहिए, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे गुंडे हो। ये शिवराज सरकार नहीं है, कमलनाथ सरकार है। उनको मालूम हो जाना चाहिए कि कमलनाथ सरकार में ये ना गुंडे रह पाएंगे, ना भू माफिया रह पाएंगे, ना रेत माफिया रह पाएंगे। आपको लगता है बाबा कि ये जो भू माफिया है, ये बाबा शिवराज सरकार में ही बड़े हैं? हाँ, उन्हीं में फले फूले हैं। 15 साल में जिस ढंग से रेत अवैध खनन कराया इन्होंने, इनके सब परिवार मिल करके हमारी नर्मदा और नदियों का जो सीना छलनी किया है, वो इनकी ही देन है, शिवराज जी की। और भू माफिया जो इतने बढ़ गए हैं, जिन्होंने इतने गुंडे बढ़ गए हैं, जो बेचारे गरीब के प्रति उनकी संवेदना नहीं थी, आज कमलनाथ सरकार ने जिस ढंग से एक्शन लिया है माफियाओं के ऊपर, तो मुझे लगता है पूरी जनता बेहद खुश है, जनता जनार्दन खुश है। बाबा, कभी कभी आप जाते हो, डंफर पकड़ लेते हो और जैसे भी पकड़ते हो, ये क्यों आप आगे ऐसा? देखिए, हमारा ये है कि नर्मदा नदियों से अवैध खनन ना हो, मशीनें ना चलाएं, बड़ी बड़ी पोखलियाँ चलाते हैं चोरी से ये लोग, रात में चलाते हैं और हम लोग रात में ही पकड़ते हैं, क्योंकि नदियों में या नर्मदा में हम किसी सूरत में, जो हमारे सरकार ने रेत नीति बनाई है, उस रेत नीति के तहत ही आप निकालेंगे। यदि अवैध तरीके से निकालेंगे तो हम लोग निकलने नहीं देंगे। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है कि रात दिन हम लोग दौड़ रहे हैं नर्मदा को बचाना है, क्योंकि 15 साल में शिवराज सरकार ने जो कचरा किया है, उसको उठाने के लिए हमें थोड़ा देर तो लगेगी, पर आने वाले समय में एक तगाड़ी भी रेत कमलनाथ सरकार में अवैध नहीं निकल पाएगी। तो ये थे हमारे साथ कंप्यूटर बाबा, जिनका कहना है कि नर्मदा बचाना है, रेत उत्खनन का नहीं होने देंगे, ये कमलनाथ सरकार है, इसमें भू माफिया की खैर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मीनारा के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, धार। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।